कि वो भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान उन्होंने किया। ये तो बहुत पहले से मालूम था, हमने बहुत पहले कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे थे, इसमें कौन नया बात है? ये कोई खास बात नहीं है, हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। आरसीपी से कह रहे हैं सर, जनता दल यू के की बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त कर हो जाएगा। तो जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनको मालूम क्या है, जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है? अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया, उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए, तो जनता दल यू समझ गए? फाइल है, चार पन्ना फाइल का पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा। अरे जनता दल यू का अस्तित्व रूट गांव तक है, उसका जड़ बहुत मजबूत है, और आरसीपी सिंह जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा जनता दल यू का, आपको बात कर रहे हैं, क्या थे आप? नीतीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लायक भी हैं, ये बोलने के लायक आपको किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने आपको बोलने के लायक बनाया। आज जो बयानबाजी भाषण दे रहे हैं और बड़ा राजनीतिक, बड़का राजनीतिक वो स्टॉलवर्ट बने हुए हैं, किसने पहचान दिया? ये पहचान नीतीश कुमार जी ने दी आपको। आपको राज्यसभा का दो टर्म एमपी बनाया, आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया, और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं, जिसका मन मैला हो, और उनका मन मैला था, और 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था, यह हम लोगों को पता है। वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साजिश की, उन्होंने खड्यंत्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने जो उन पर भरोसा किया था, नीतीश कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था, उससे उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और अब प्रवचन दे रहे हैं। अरे एजेंट तो थे ही आप, तो चले गए आज इस पार्टी में, ये तो सबको मालूम था कि आज न कल आपको जाना ही था, करिएगा क्या, आप कौन पूछेगा आपको? आप कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए? जिस आदमी ने आपको इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, उसको कह रहे झूठ बोल रहे? सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को जब फोन गया तो नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को यह कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फर्ज था? 2019 में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं, समानुपातिक भागीदारी चाहिए। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर आपको बनाया तो आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था कि आप नीतीश कुमार जी के 2019 के स्टैंड को
सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नीतीश जी का और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो स्टैंड था उस स्टैंड पर आज हम कायम हैं, उसके बदले आप अपना नाम दे दिए और खुद बोले कि हमको अमित शाह जी ने कहा कि आप ही को बनना है, हम लोग का तय है कि आप ही को बनाएंगे तो हम बन गए। अरे बन गए तो एजेंट है तो बनना ही था ना आपको, और बनाएगा किसको? एजेंट को तो बनाएगा, एजेंट को ही ना बनाएगा और किसको बनाएगा? तो आप एजेंट थे, आपको बनाया उसने और आप जाके बन गए। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए, इसलिए कि उनको अंदाज हो गया कि अब आप पार्टी को लेके कहीं घसकने वाले हैं और इसलिए उन्होंने आपसे इस्तीफा दिलवा के और मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। तो इसलिए वो क्या प्रवचन देंगे, विलय की बात कर रहे हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना था लालू जी के साथ तो उसमें कहां थे आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह कहां थे उस समय? उसी महागठबंधन के अंग थे, तो उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था, आपको आज बड़ा खराब लग रहा है। तो इसलिए ये सब उनका कोई दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और जब सपना टूटेगा तो कहां जाके गिरेंगे इसका पता नहीं है उनको। आपको पता चल जाएगा, समय बता देगा कि जनता दल यू को आपने, जिस जनता दल यू को खड़यंत्र करके, साजिश करके 73 से 43 पर पहुंचाया, 72 से 43 पर पहुंचाया, वो फिर से 100 का आंकड़ा पार करेगी। आरसीपी से कह रहे हैं कि लालू यादव के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं। नतमस्तक? अरे लालू यादव ने तो फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। लालू जी और उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आपकी तरह नहीं है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उसने जो नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया है, आप उसके साथ जाके खड़े हैं तो आपका चरित्र तो उजागर हो गया। पूरे बिहार के कार्यकर्ता जनता दल यू के और बिहार की जनता देख रही है कि आपका चरित्र क्या था और जो हम लोगों का शक था और आरोप था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 के विधानसभा के चुनाव में साजिश में शामिल थे, षड्यंत्र में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप जनता दल यू में काम कर रहे थे, वो आज साबित हो गया। सर एक बार फिर उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक नीतीश जी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। उनको क्या ज्ञान है राजनीति का? उनको राजनीति का क्या ज्ञान है? बहुत लोग कहते थे पहले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते, पुराना इतिहास है। जब 2000 में सरकार 7 दिन के लिए बनी थी और नीतीश कुमार जी नहीं बने थे तो बहुत लोग कहते थे, नीतीश कुमार जी तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, हमारी पार्टी जनता दल यू ये कहती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हो सकता है वो सारी योग्यता नीतीश कुमार जी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े, ये उनकी मंशा है और ये उनकी चाहत है और इसमें हम समझते हैं कि वो अभी लगेंगे और इसमें सफलता भी हासिल होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो गया है बिहार में और ये सरकार लंबी नहीं चल। अरे बीजेपी वाले बेचारे सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घटना हुई है तो उनको कह रहे जंगल राज दिखाई पड़ने लगा, और उनके जितने मंत्री जो जो धंधा कर रहे थे, और एक वो मंत्री थे जिन्होंने कितना 200 की 150 की 250 अंचल अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, एक एक साल 6-6 महीना वाले का ट्रांसफर कर दिया, नीतीश कुमार जी ने सबको रद्द कर दिया। अब उसके बाद उनका प्रवचन देखे,
क्यों कह रहे हैं कि हम भू माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए हमारा सब आदेश रद्द कर दिया गया। जरा मुजफ्फरपुर में जाके पता कर लीजिए ना, सबसे बड़े भू माफिया वही है। कि वो भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान उन्होंने किया, ये तो बहुत पहले से मालूम था। हमने बहुत पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें कौन नया बात है? ये कोई खास बात नहीं है, हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। आरसीपी से कह रहे हैं सर, जनता दल यू के की बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त कर हो जाएगा। कोई जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनको मालूम क्या है जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है? अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया, उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए, तो जनता दल यू समझ गए? फाइल है, चार पन्ना फाइल का पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा। अरे जनता दल यू का अस्तित्व रूट गांव तक है, उसका जड़ बहुत मजबूत है, और आरसीपी सिंह जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा जनता दल यू का, आपको बात कर रहे हैं, क्या थे आप? नीतीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लायक भी हैं, ये बोलने के लायक आपको किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने आपको बोलने के लायक बनाया। आज जो बयानबाजी भाषण दे रहे हैं और बड़ा राजनीतिक, बड़का राजनीतिक वो स्टॉलवर्ट बने हुए हैं, किसने पहचान दिया? ये पहचान नीतीश कुमार जी ने दी आपको। आपको राज्यसभा का 2 टर्म एमपी बनाया, आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया, और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं, जिसका मन मैला हो, और उनका मन मैला था, और 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था, ये हम लोग को पता है। वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साजिश की, उन्होंने खड्यंत्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने जो उन पर भरोसा किया था, नीतीश कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था, उससे उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और अब प्रवचन दे रहे हैं। अरे एजेंट तो थे ही आप, तो चले गए आज इस पार्टी में, ये तो सबको मालूम था कि आज न कल आपको जाना ही था, करिएगा क्या? आप कौन पूछेगा आपको? आप कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए? जिस आदमी ने आपको इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, उसको कह रहे झूठ बोल रहे? सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को जब फोन गया तो नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को यह कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फर्ज था? 2019 में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं, समानुपातिक भागीदारी चाहिए।
अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर आपको बनाया तो आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था कि आप नीतीश कुमार जी के 2019 के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नीतीश जी का और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो स्टैंड था उस स्टैंड पर आज हम कायम हैं। उसके बदले आप अपना नाम दे दिए और खुद बोले कि हमको अमित शाह जी ने कहा कि आप ही को बनना है, हम लोगों का तय है कि आप ही को बनाएंगे, तो हम बन गए। अरे बन गए तो एजेंट है तो बनना ही था ना आपको, और बनाएगा किसको? एजेंट को तो बनाएगा, एजेंट को ही ना बनाएगा और किसको बनाएगा? तो आप एजेंट थे, आपको बनाया उसने और आप जाके बन गए। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए, इसलिए कि उनको अंदाज हो गया अब आप पार्टी को लेके कहीं घसकने वाले हैं और इसलिए उन्होंने आपसे इस्तीफा दिलवा के और मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। तो इसलिए वो क्या प्रवचन देंगे, विलय की बात कर रहे हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना था लालू जी के साथ तो उसमें कहां थे आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह कहां थे उस समय? उसी महागठबंधन के अंग थे, तो उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था, आपको आज बड़ा खराब लग रहा है। तो इसलिए ये सब उनका कोई दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और जब सपना टूटेगा तो कहां जाके गिरेंगे इसका पता नहीं है उनको। आपको पता चल जाएगा, समय बता देगा कि जनता दल यू को आपने, जिस जनता दल यू को खड़यंत्र करके, साजिश करके 73 से 43 पर पहुंचाया, 72 से 43 पर पहुंचाया, वो फिर से 100 का आंकड़ा पार करेगी। आरसीपी से कह रहे हैं कि लालू यादव के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं। नतमस्तक? अरे लालू यादव ने तो फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। लालू जी और उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आपकी तरह नहीं है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उसने जो नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया है, आप उसके साथ जाके खड़े हैं तो आपका चरित्र तो उजागर हो गया। पूरे बिहार के कार्यकर्ता जनता दल यू के और बिहार की जनता देख रही है कि आपका चरित्र क्या था और जो हम लोगों का शक था और आरोप था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 के विधानसभा के चुनाव में साजिश में शामिल थे, षड्यंत्र में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप जनता दल यू में काम कर रहे थे, वो आज साबित हो गया। सर एक बार फिर उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक नीतीश जी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। उनको क्या ज्ञान है राजनीति का? उनको राजनीति का क्या ज्ञान है? बहुत लोग कहते थे पहले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते, पुराना इतिहास है। जब 2000 में सरकार 7 दिन के लिए बनी थी और नीतीश कुमार जी नहीं बने थे तो बहुत लोग कहते थे, नीतीश कुमार जी तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, हमारी पार्टी जनता दल यू ये कहती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हो सकता है वो सारी योग्यता नीतीश कुमार जी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े, ये उनकी मंशा है और ये उनकी चाहत है और इसमें हम समझते हैं कि वो अभी लगेंगे और इसमें सफलता भी हासिल होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो गया बिहार में और ये सरकार लंबी नहीं चल। अरे बीजेपी वाले बेचारे सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घटना हुई है तो उनको कह रहे जंगल राज दिखाई पड़ने लगा, और उनके जितने मंत्री जो जो धंधा कर रहे थे, और एक वो मंत्री थे जिन्होंने कितना 200 की 150 की 250
अंचल अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, एक एक साल छह छह महीना वाले का ट्रांसफर कर दिया, नीतीश कुमार जी ने सबको रद्द कर दिया। अब उसके बाद उनका प्रवचन देखे, क्यों कह रहे हैं कि हम भू माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए हमारा सब आदेश रद्द कर दिया गया। जरा मुजफ्फरपुर में जाके पता कर लीजिए ना, सबसे बड़े भू माफिया वही है। कि वो भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान नहीं किया, ये तो बहुत पहले से मालूम था, हमने बहुत पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे थे, इसमें कौन नया बात है? ये कोई खास बात नहीं है, हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। आरसीपी से कह रहे हैं सर, जनता दल यू के की बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का अस्तित्व तो समाप्त कर हो जाएगा। कोई जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनको मालूम क्या है, जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है? अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया, उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए, तो जनता दल यू समझ गए? ये फाइल है, चार पन्ना फाइल का पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा। अरे जनता दल यू का अस्तित्व रूट गांव तक है, उसका जड़ बहुत मजबूत है, और आरसीपी सिंह जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा जनता दल यू का, आपको बात कर रहे हैं क्या थे आप? नीतीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लायक भी हैं, ये बोलने के लायक आपको किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने आपको बोलने के लायक बनाया। आज जो बयानबाजी भाषण दे रहे हैं और बड़ा राजनीतिक, बड़का राजनीतिक वो स्टॉलवर्ट बने हुए हैं, किसने पहचान दिया? ये पहचान नीतीश कुमार जी ने दी आपको। आपको राज्यसभा का दो टर्म एमपी बनाया, आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया, और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं, जिसका मन मैला हो, और उनका मन मैला था, और 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था, ये हम लोगों को पता है। वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साजिश की, उन्होंने खड्यंत्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने जो उन पर भरोसा किया था, नीतीश कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था, उससे उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और अब प्रवचन दे रहे हैं। अरे एजेंट तो थे ही आप, तो चले गए आज इस पार्टी में, ये तो सबको मालूम था कि आज न कल आपको जाना ही था, करिएगा क्या? आप कौन पूछेगा आपको? आप कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए? जिस आदमी ने आपको इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, उसको कह रहे झूठ बोल रहे? सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को जब फोन गया तो नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को यह कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए,
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फर्ज था? 2019 में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं समानुपातिक भागीदारी चाहिए। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर आपको बनाया तो आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था कि आप नीतीश कुमार जी के 2019 के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नीतीश जी का और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो स्टैंड था उस स्टैंड पर आज हम कायम हैं। उसके बदले आप अपना नाम दे दिए और खुद बोले कि हमको अमित शाह जी ने कहा कि आप ही को बनना है, हम लोगों का तय है कि आप ही को बनाएंगे, तो हम बन गए। अरे बन गए तो एजेंट है तो बनना ही था ना आपको, और बनाएगा किसको? एजेंट को तो बनाएगा, एजेंट को ही ना बनाएगा और किसको बनाएगा? तो आप एजेंट थे, आपको बनाया उसने और आप जाके बन गए। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए, इसलिए कि उनको अंदाज हो गया अब आप पार्टी को लेके कहीं घसकने वाले हैं और इसलिए उन्होंने आपसे इस्तीफा दिलवा के और मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। तो इसलिए वो क्या प्रवचन देंगे, विलय की बात कर रहे हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना था लालू जी के साथ तो उसमें कहां थे आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह कहां थे उस समय? उसी महागठबंधन के अंग थे, तो उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था, आपको आज बड़ा खराब लग रहा है। तो इसलिए ये सब उनका कोई दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और जब सपना टूटेगा तो कहां जाके गिरेंगे इसका पता नहीं है उनको। आपको पता चल जाएगा, समय बता देगा कि जनता दल यू को आपने, जिस जनता दल यू को खड़यंत्र करके साजिश करके 73 से 43 पर पहुंचाया, 72 से 43 पर पहुंचाया, वो फिर से 100 का आंकड़ा पार करेगी। आरसीपी से कह रहे हैं कि लालू यादव के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं। नतमस्तक? अरे लालू यादव ने तो फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया। लालू जी और उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आपकी तरह नहीं है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उसने जो नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया है, आप उसके साथ जाके खड़े हैं तो आपका चरित्र तो उजागर हो गया। पूरे बिहार के कार्यकर्ता जनता दल यू के और बिहार की जनता देख रही है कि आपका चरित्र क्या था और जो हम लोगों का शक था और आरोप था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 के विधानसभा के चुनाव में साजिश में शामिल थे, षड्यंत्र में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप जनता दल यू में काम कर रहे थे, वो आज साबित हो गया। सर एक बार फिर उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक नीतीश जी नहीं बन पाएंगे। उनको क्या ज्ञान है राजनीति का? उनको राजनीति का क्या ज्ञान है? बहुत लोग कहते थे पहले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते, पुराना इतिहास है। जब 2000 में सरकार 7 दिन के लिए बनी थी और नीतीश कुमार जी नहीं बने थे तो बहुत लोग कहते थे, नीतीश कुमार जी तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, हमारी पार्टी जनता दल यू ये कहती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हो सकता है वो सारी योग्यता नीतीश कुमार जी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े, ये उनकी मंशा है और ये उनकी चाहत है और इसमें हम समझते हैं कि वो अभी लगेंगे और इसमें सफलता भी हासिल होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो गया बिहार में और ये सरकार लंबी नहीं चली। अरे बीजेपी वाले बेचारे सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घटना हुई है
तो उनको कह रहे जंगल रात दिखाई पड़ने लगा, और उनके जितने मंत्री जो जो धंधा कर रहे थे, और एक वो मंत्री थे जिन्होंने कितना 200 की 150 की 250 अंचल अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, एक एक साल 6-6 महीना वाले का ट्रांसफर कर दिया, नीतीश कुमार जी ने सबको रद्द कर दिया। अब उसके बाद उनका प्रवचन देखे, क्यों कह रहे हैं कि हम भू माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए हमारा सब आदेश रद्द कर दिया गया। जरा मुजफ्फरपुर में जाके पता कर लीजिए ना, सबसे बड़े भू माफिया वही है। कि वो भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान उन्होंने किया, ये तो बहुत पहले से मालूम था, हमने बहुत पहले कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया। तो इसलिए पहले वो एजेंट के रूप में थे, अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे थे, इसमें कौन नया बात है? ये कोई खास बात नहीं है, ये हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंधा चल रहा है। आरसीपीसी कह रहे हैं सर, जनता दल यू के की बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त कर हो जाएगा। कोई जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त करने वाले का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? उनको मालूम क्या है जनता दल यू कब बना, जनता दल यू कैसे बना, जनता दल यू किन कारणों से बना, क्या इतिहास भूगोल उनको मालूम है? अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया, उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं? वो कुछ दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए और नीतीश जी उनको जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव संगठन बना दिए, तो जनता दल यू समझ गए? ये फाइल है, चार पन्ना फाइल का पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा। अरे जनता दल यू का अस्तित्व रूट गांव तक है, उसका जड़ बहुत मजबूत है, और आरसीपी सिंह जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा जनता दल यू का, आपको बात कर रहे हैं क्या थे आप? नीतीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लायक भी हैं, ये बोलने के लायक आपको किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने आपको बोलने के लायक बनाया। आज जो बयानबाजी भाषण दे रहे हैं और बड़ा राजनीतिक, बड़का राजनीतिक वो स्टॉलवर्ट बने हुए हैं, किसने पहचान दिया? ये पहचान नीतीश कुमार जी ने दिया आपको। आपको राज्यसभा का 2 टर्म एमपी बनाया, आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया, और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं, जिसका मन मैला हो, और उनका मन मैला था, और 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था, यह हम लोगों को पता है। वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने साजिश की, उन्होंने खड्यंत्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने जो उन पर भरोसा किया था, नीतीश कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था, उससे उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और अब प्रवचन दे रहे हैं। अरे एजेंट तो थे ही आप, तो चले गए आज इस पार्टी में, ये तो सबको मालूम था
कि आज न कल आपको जाना ही था, करिएगा क्या? आप कौन पूछेगा आपको? आप कह रहे हैं मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही आपको बोलते हुए? जिस आदमी ने आपको इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, उसको कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी को जब फोन गया तो नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को यह कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या फर्ज था? 2019 में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं, समानुपातिक भागीदारी चाहिए। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर आपको बनाया तो आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था कि आप नीतीश कुमार जी के 2019 के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नीतीश जी का और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो स्टैंड था, उस स्टैंड पर आज हम कायम हैं। उसके बदले आप अपना नाम दे दिए और खुद बोले कि हमको अमित शाह जी ने कहा कि आप ही को बनना है, हम लोगों का तय है कि आप ही को बनाएंगे, तो हम बन गए। अरे बन गए तो एजेंट है तो बनना ही था ना आपको, और बनाएगा किसको? एजेंट को तो बनाएगा, एजेंट को ही ना बनाएगा और किसको बनाएगा? तो आप एजेंट थे, आपको बनाया उसने और आप जाके बन गए। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए, इसलिए कि उनको अंदाज हो गया कि अब आप पार्टी को लेके कहीं घसकने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने आपसे इस्तीफा दिलवा के और मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। तो इसलिए वो क्या प्रवचन देंगे, विलय की बात कर रहे हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना था लालू जी के साथ, तो उसमें कहां थे आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह कहां थे उस समय? उसी महागठबंधन के अंग थे, तो उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था, आपको आज बड़ा खराब लग रहा है। तो इसलिए ये सब उनका कोई दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, और जब सपना टूटेगा तो कहां जाके गिरेंगे इसका पता नहीं है उनको। आपको पता चल जाएगा, समय बता देगा कि जनता दल यू को आपने, जिस जनता दल यू को खड्यंत्र करके, साजिश करके 73 से 43 पर पहुंचाया, 72 से 43 पर पहुंचाया, वो फिर से 100 का आंकड़ा पार करेगी। आरसीपी से कह रहे हैं कि लालू यादव के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं। नतमस्तक? अरे लालू यादव ने तो फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। लालू जी और उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, फिर से नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आपकी तरह नहीं है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उसने जो नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया है, आप उसके साथ जाके खड़े हैं, तो आपका चरित्र तो उजागर हो गया। पूरे बिहार के कार्यकर्ता जनता दल यू के और बिहार की जनता देख रही है कि आपका चरित्र क्या था, और जो हम लोगों का शक था और आरोप था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 के विधानसभा के चुनाव में साजिश में शामिल थे, षड्यंत्र में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप जनता दल यू में काम कर रहे थे, वो आज साबित हो। फिर उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक बहुत लोग कहते थे पहले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बन सकते, पुराना इतिहास है। जब 2000 में सरकार 7 दिन के लिए बनी थी और नीतीश कुमार जी नहीं बने थे तो बहुत लोग कहते थे, नीतीश कुमार जी तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी जनता दल यू ये कहती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हो सकता है वो सारी योग्यता नीतीश कुमार जी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आए
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े, ये उनकी मंशा है और ये उनकी चाहत है, और इसमें हम समझते हैं कि वो अभी लगेंगे और इसमें सफलता भी हासिल होगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो गया है बिहार में और ये सरकार लंबी नहीं चल। अरे बीजेपी वाले बेचारे सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एक घटना हुई है तो उनको कह रहे जंगल राज दिखाई पड़ने लगा, और उनके जितने मंत्री जो जो धंधा कर रहे थे, और एक वो मंत्री थे जिन्होंने कितना 200 की 150 की 250 अंचल अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, एक एक साल 6-6 महीना वाले का ट्रांसफर कर दिया, नीतीश कुमार जी ने सबको रद्द कर दिया। अब उसके बाद उनका प्रवचन देखे, क्यों कह रहे हैं कि हम भू माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए हमारा सब आदेश रद्द कर दिया गया। जरा मुजफ्फरपुर में जाके पता कर लीजिए ना, सबसे बड़े भू माफिया वही है। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।